नमस्कार, लोभसिस किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं ढोकले के साथ खाए जाने वाली ढोकला चटनी, जो बहुत ज़्यादा यम्मी, चटपटी और टेस्टी भी है। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ हरा धनिया लिया है जो धो के साफ करके लिया है। पुदीना पत्ते हमें ज़्यादा नहीं लेने, एकदम थोड़े लेने हैं। अगर आपको पुदीना का फ्लेवर पसंद नहीं है तो पुदीना नहीं लिया तो भी चलता है। अदरक 2 इंच, 5 से 6 कलियाँ, लहसुन की, हरी मिर्च आपके स्वादानुसार ले सकते हैं, नमक और नींबू का रस। और इसके लिए हमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट चाहिए, वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए अब ढोकला चटनी बनाते हैं। ढोकला चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर के जार में हम हरा धनिया लेंगे, पुदीना और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च लेंगे। हरी मिर्च आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक स्वादानुसार और नींबू का रस। अगर आपको मीठी चटनी पसंद हो तो आप थोड़ी चीनी भी डाल सकते हैं। अब हम चटनी को थोड़ा पानी डाल के बारीक कर लेते हैं। हरा धनिया, पुदीना हमने इसे दरदरा सा बारीक कर लिया है। अब चटनी में हम हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, और हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ढोकला। ढोकला डालने की वजह से चटनी बहुत टेस्टी बनती है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा दिखता है। अब हम चटनी के साथ ढोकला भी बारीक कर लेते हैं। यहाँ चटनी का कलर भी देख सकते हैं, कितने अच्छे से हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है चटनी को, और इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। यहाँ हमारे टेस्टी यम्मी ढोकले के साथ खाई जाने वाली चटनी तैयार है। ये चटनी आप भी बना के देखिए, बहुत चटपटी, बहुत अच्छी लगती है, और ढोकले के साथ ढोकले से ज़्यादा चटनी ही ज़्यादा खाई जाती है। अगर आपको ढोकला चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो लोभसिस किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि आप मेरी अगली आने वाली रेसिपीज देख सकें। ढोकला चटनी का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।